गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम माय क्लास। दिस इज सतीश महावर, क्लास सेवन्थ मैथ्स बेटा। और जो बेटा एक्सरसाइज हम डिस्कस कर रहे थे वो हमारी एक्सरसाइज है 5.1 एक्सपोनेंट्स एंड पावर। तो हमने बेस के बारे में पढ़ लिया था, हमने पावर के बारे में पढ़ लिया था, हमने एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ लिया था, और क्वेश्चन नंबर 4 या 3 तक हमने डिस्कस भी कर लिया था। तो आपको एक बात अच्छे समझ में आ गई होगी कि आपके पास क्या होना नेसेसरी है। मैं हर बार बोल रहा हूँ, हर वीडियो में आपसे बोलता जा रहा हूँ कि आपके पास बुक का होना नेसेसरी है, बिना बुक के आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने क्लियरली डिस्कस कर लिया था, आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, और 5 के साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं रीड करता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा अपनी बुक में। इवेलुएट द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर कौन कौन से हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, ये फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स हो गए, ठीक है। इनकी पावर लिखनी है हमें, और राइज टू द पावर 4, पावर 4 तक हमें लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे, 1 की पावर 4 का मतलब 1 × 1 × 1 × 1 = 1, ठीक है। 2 की पावर 4 का मतलब हुआ 2 × 2 × 2 × 2, 2 × 4, 4 × 8, 8 × 16, ठीक है। 3 की पावर 4 को आप लिखेंगे 3 × 3 × 3 × 3, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, 81। और फिर आप लिखेंगे 4 की पावर 4, 4 × 4, 4 × 4 × 4, 4 × 4 = 16, 4 × 4 = 16 कितना हो गया, 256, ठीक है। फिर 5 की पावर 4, 5 × 5, 5 × 5, 5 × 5, ये आ गया 65। तो 5 जो नेचुरल नंबर्स थे, 5 जो आपके नेचुरल नंबर्स थे, उन नेचुरल नंबर्स की पावर 4 लिखकर हमें रिप्रेजेंट करना था। आ गई बात समझ में, तो आराम से लिख लीजिए बिना किसी टेंशन के, आराम से बेटा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में रीड करता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। टू व्हाट पावर शुड बी -2, माइनस टू की पावर क्या हम अप्लाई करें। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि माइनस टू की पावर, मान लीजिए मैंने 6 लगा दी, तो आंसर कितना आ रहा है, 64 आ रहा है। जब कहा गया है कि माइनस टू की पावर में क्या अप्लाई करूं, माइनस टू की पावर हम क्या लगाएं कि आंसर कितना आ जाए, 64 आ जाए। तो पहले 64 के फैक्टर कर लो, यहाँ रफ में 64 को क्या लिख सकते हो आप, 2 का डिवाइड किया 32, 2 का डिवाइड किया 16, 2 का डिवाइड किया 8, 2 का डिवाइड किया 4, 2 का डिवाइड किया 2, और 2 का डिवाइड किया 1, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो माइनस 2 की पावर 6 इक्वल टू, इसे आप लिखेंगे 2 की पावर 6, ठीक है। लेकिन आप कहोगे क्या बेस सेम आ रहा है, क्या बेस सेम नहीं आ रहा, तो मैंने यहाँ लगा दिया माइनस, क्योंकि माइनस की पावर इवन नंबर क्या होता है, पॉजिटिव, तो वापस पॉजिटिव में आंसर आ जाएगा। अब दोनों का बेस सेम है, तो आप कह सकते हैं कि x बराबर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। आ गई बात समझ में, बहुत ही आराम से समझकर ध्यान से लिखना है, ठीक है। कोई भी डाउट आए तो फिर मुझसे कहना है, ठीक है बेटा, तो लिख लीजिए आराम आराम से। डन, इरेज कर दूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आराम से, बहुत ही इजीली समझना है आपको, है ना, परेशान नहीं होना। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है, सिंप्लीफाई, क्या सिंप्लीफाई करना है। पहला क्वेश्चन है -5 की पावर 3, और दूसरा है 2 की पावर 2। तो आप इसे कैसे लिखेंगे, आप इसे आराम से ब्रेक कीजिए, -5 × -5 × -5 और 2 की पावर कितनी है, 2 की पावर है 2 × 2, दो बार, ये दो बार, और ये कितनी बार, 3 बार, तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। आगे बात समझ में, अब 5 5 जा कितना हो गया, 25, 25 जा 125, मल्टीप्लाई 2 2 जा 4। अब इन दोनों को यहाँ रफ में आके मल्टीप्लाई कर लो, 4 को 125 से मल्टीप्लाई किया, 5 4 जा 20, 4 2 जा 8 10, और ये कितना 5, तो कितना हो गया मेरे बच्चे, 500 हो गया। आ गई बात समझ में, तो क्वेश्चन को बिल्कुल सिंप्लीफाई करना है, और लिखा हुआ भी है कि सिंप्लीफाई कीजिए। आ गई बात समझ बेटा, लिख लीजिए आराम से।
आ गया समझ में बेटा? लिख लीजिए इसे जल्दी से, बिल्कुल इजी तरीके से। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या लिखा हुआ है मेरे बच्चे, -1 की पावर 11, -2 की पावर 4, -3 की पावर 5, ये वैल्यूज है ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, -1 की पावर 11 करेंगे तो 1 ही आएगा, लेकिन माइनस की पावर ओड है कि इवन है, ओड तो माइनस। फिर इसको लिखिए -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2। फिर 3 की पावर 5 पांच बार लिखना है आपको, तो -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3 ठीक है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा, -माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस ठीक है। तो ऐसे कंप्लीटली मल्टीप्लाई करते जाइए तो क्या आता जाएगा आपका, लास्ट में आ जाएगा पॉजिटिव। एक तरीका और है कि माइनस की पावर इवन नंबर माइनस, माइनस की पावर इवन नंबर पॉजिटिव, और माइनस की पावर ओड नंबर माइनस, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या आएगा, माइनस आएगा ठीक है। तो आराम से लिख लीजिए ठीक है, ये प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस ठीक। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, फिर 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 3 जा 81 81 3 जा 243, और इन दोनों को आपस में यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, 243 मल्टीप्लाई 16, 16 की टेबल बोलिए, 16 3 जा 48, 16 4 जा 64, 4 8 68, और 16 2 जा 32, 32 और 6 388। तो आपका फुल एंड फाइनल आंसर आ जाएगा 388। हमारा क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया ठीक है। तो आराम से लिख लीजिए, सेम ऐसे ही आपका रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको भी आपको ऐसे ही लिखना है। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है आपसे ठीक है बेटा। लिख लीजिए ध्यान से, हमें इसे एक्सपोनेंट और पावर में चेंज करना है प्राइम फैक्टर से, तो आप कैसे करेंगे देखिए, 288 में डिवाइड करेंगे आप 2 से 144, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 72, फिर 2 से डिवाइड करेंगे आप, 2 से 7 में डिवाइड कीजिए कितनी 36, फिर 2 से डिवाइड करेंगे आप 18, फिर 2 से डिवाइड करेंगे आप 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 और 3 से डिवाइड करेंगे 1। तो आप जब काउंटिंग करेंगे प्राइम फैक्टर के लिए तो कितने आ जाएंगे, 1 2 3 4 5, तो 2 तो कितनी बार आ गया 5 बार, और 1 3 3 कितनी बार आ गया 2 बार। तो ये हमारा आ गया पावर फॉर्म में, हमने पूरे 288 को 2 की पावर 5 और 3 की पावर 2 में कन्वर्ट कर लिया। तो आप इसको इजीली आराम से लिख सकते हैं ठीक है बेटा। सेम क्वेश्चन आपका हम सेकंड लेते हैं, और सेकंड क्वेश्चन है आपका 24200, जिसे आप ब्रेक करेंगे तो आप इसे लिखेंगे 24200, उसको सॉल्व कीजिए, 2 से डिवाइड किया 1 2 1 0 0, फिर 2 का डिवाइड कीजिए 6 0 5 0 ठीक है मेरे बच्चे। देखिए आराम से, 12 में डिवाइड किया 6 बार, 1 में जाएगा नहीं 0, फिर 10 में जाएगा 5 बार 0, फिर 2 का डिवाइड कीजिए 3 0 2 5। अब इसमें हम कंप्लीटली सीधे सीधे 5 का डिवाइड करते हैं, 5 से डिवाइड किया 5 6 जा 0 5 5 जा, फिर 5 का डिवाइड कीजिए 5 1 जा 5 2 जा फिर 5 1 जा ठीक है। दोबारा देख लीजिए आराम से समझिए, 5 का डिवाइड किया 1 बार, फिर 10 हो जाएगा 5 2 जा 10, फिर 5 1 जा 5 ठीक है बेटा। अब इसमें 121 में 11 का डिवाइड कीजिए 11 बार, फिर 11 का कीजिए 1 बार, तो क्या फैक्टर आ गए 1 2 3, 2 कितनी बार आ गया 3 बार, 5 कितनी बार आ गया 5 आ गया 2 बार, और 11 कितनी बार आ गया मेरे बच्चे 11 आ गया 2 बार। तो आपका फुल एंड फाइनल कम्प्लीटली आंसर हो गया 2 की पावर 3, 5 की पावर 2 और 11 की पावर 2, ये हमारा पावर फॉर्म में आ गया सोल्व करने के बाद। अब हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे, तब तक आप 8 तक पूरा वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा ठीक है। आगे बात समझ में,
और यहाँ तक भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा या कॉल कर लीजिएगा, हम सॉल्यूशन कर लेंगे। आगे बस समझिए, ठीक है बेटा? तो यहाँ तक के लिए थैंक यू सो मच बेटा, स्टे होम स्टे सेफ, और जितना हो सके वीडियो को वॉच करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है बेटा? ओके बेटा।